ये मनोरी जाने के लिए बोट है, इसी बोट से हम मनोरी अभी जाएंगे। तो वहाँ पे गजानन गिरी महाराज का है, तो वहाँ पे चल के हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए बोट है, इसी से हम अभी सफ़र करेंगे, चलते हैं अभी फिर। ये सामने देखिए मनोरी, जाने का किधर से है? जाने का किधर से है? दोस्तों अभी ये रोड सीधा गया हुआ है गगनगिरी महाराज आश्रम में, आश्रम की तरफ रोड गया हुआ है। अब बस हम चल चल के अभी चल रहे हैं रोड से, और ये थोड़ा सा एक मिनट, शॉर्टकट इधर है क्या? ये शॉर्टकट है, शॉर्टकट जाना बेहतर नहीं होगा क्योंकि अभी हमको आगे का रास्ता नहीं पता है, तो जाके कुछ मतलब नहीं है, पूरा जंगल इलाका है। हम सीधा अपने जो रास्ता है, जो पक्का रोड है, इधर से हम चलते हैं और आगे हम किसी से देखते हैं, कोई अगर मिलेगा तो पूछते हैं, क्योंकि ये देखिए कैक्टस नागफनी। एक्चुअली जब भी हम मलाट से मारवे बीच के यहाँ से जब हम रोड पकड़ते हैं और आते हैं वहाँ पे समंदर के किनारे पे बीच पे, और वहाँ से हम जब बोट पकड़ते हैं और मनोरी जो हमारा जो पॉइंट है मनोरी एरिया का, जब हम वहाँ उतरेंगे तो जस्ट गगनगिरी महाराज का जो गेट है जस्ट बाजू में ही है। लेकिन ये रास्ता थोड़ा सा घुमा के एक साइड से दे दिया गया है, और देखते हैं अभी हैं, चलते हैं हम आपको आश्रम में लेकर के और दिखाते हैं। तो कंटिन्यू आप बने रहिए वीडियो में। एक मिनट देखिए, वहाँ पे सामने तीन व्यक्ति जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, उनसे हम पूछते हैं। एक्चुअली ज़्यादा दूर नहीं लगता, अभी वहाँ पे रास्ता एंड हो गया है और वो आश्रम पूरा एरिया लगता है आश्रम का। हालांकि ये सब पूरा आश्रम का ही एरिया है, लेकिन हम किधर से भी कैसे भी जा नहीं सकते हैं ना, तो एक प्रॉपर रोड बना हुआ है, इसी रोड से हम जाएंगे। और देखिए एक छोटा सा गेट यहाँ पर भी है, अभी किस चीज़ का गेट है ये, क्या है पता नहीं, पपैया। और चलते हैं, बस पहुंचने वाले ही हमें। आश्रम में जाने का रास्ता कहाँ से? मंदिर में ना, गगनगिरी महाराज के आश्रम में। कहाँ? ये सीधा 2 मिनट का रास्ता, सीधा जाना। हाँ सीधा जा, ऊपर रूम सीधा। ये दो कुत्ते हैं यार, इनसे पूछ लेते हैं रास्ता। बस अभी पहुंचने वाले ही हैं, सामने ही गेट दिख रहा है, सामने गेट दिख रहा है, बस 2 मिनट। ये देखिए दोस्तों, ये फाइनली गेट, परम पूज्य स्वामी गगनगिरी महाराज आश्रम।
अभी हम फाइनली यहाँ पे पहुँच चुके हैं। आप देख सकते हैं इनका, मैं बता देता हूँ आपको। देखिए यहाँ पे एक बड़ा सा बैनर लगा हुआ है, ये गगनगिरी महाराज हैं, देख सकते हैं आप। और ये देखिए बोर्ड, इनका मेन गेट है। अब हम इस गेट से अंदर जाएंगे और काफ़ी कुछ अंदर है, हम आपको दिखाएंगे, आपको बताते हैं। चलिए अंदर चलते हैं। पहले एक कुत्ते ने भोग दिया। चलो सर, चलोगे ना आप? दो कुछ लोग बैठे वहाँ लगे घर अपने लोग। ये देखिए फाइनली हम लोग यहाँ पे अभी पहुँच चुके हैं। दत्त मंदिर जीर्णोद्धार तपसील, जिसमें देखिए एक यहाँ पे बैनर लगा हुआ है, ये बैनर आप देख सकते हैं क्या चीज़ का है। अभी इसके पहले जो भी अगर आपने वीडियो देखा है तो ये थोड़ा अलग है। अलग मतलब कि हम उस जगह पर आए हैं जहाँ पे उन्होंने तपस्या किया हुआ है और उनका मंदिर है। मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, वाह क्या बात है, यहाँ से पूरा समंदर दिख रहा है। ये देखिए गगनगिरी महाराज का एक यहाँ पे फोटो रखा हुआ है, जो इनकी यहाँ पे पूजा होती है। और यहाँ से मैं आपको ये व्यू दिखाऊंगा। देखिए एक सामने यहाँ पे मंदिर है, जैसे एक सामने मंदिर है, और ये देख सकते हैं कि हम लोग कितनी ऊंचाई पर हैं, और ये सामने पूरा समंदर है। ये देख रहे हैं पूरा समंदर है। ये एक आइलैंड है, अभी जहाँ पे मैं आया हूँ गगनगिरी महाराज आश्रम में, ये एक आइलैंड है। एक आइलैंड के ऊपर अभी हम इस समय हैं, और मैं आपको चलिए अभी मैं अंदर का दिखाता हूँ। जो देखिए एक मंदिर का बड़ा गुम्बद है वहाँ पे, इधर से हम चलते हैं वापस और हम आपको दिखाते हैं।
अभी देखिए हम यहाँ अंदर चलते हैं। एक छोटा सा स्थान ये भी दिया गया है गुरुदेव का। देखिए यहाँ पे इनका झूला है पालकी, आप देख सकते हैं। यहाँ पे गगनगिरी महाराज का फोटो रखा हुआ है, गगनगिरी महाराज हैं ये देखिए। गगनगिरी महाराज माता जी, दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लम दिगंबरा, दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लम दिगंबरा। देखिए अद्भुत प्रतिमा है, जैसे लगता है कि स्वयं प्रभु यहाँ पे विराजमान है। और देखिए जस्ट बाजू में गगनगिरी महाराज हैं और गणपति गप्पा गजानन गणराया रिद्धि सिद्धि के दाता भोले बाबा माता जी। दोस्तों ये मुख्य स्थान है। दोस्तों की जैसा कि अभी आप देख रहे हैं, श्री स्वामी गगनगिरी महाराज एक भारतीय हिंदू संत और नाथ संप्रदाय के गुरु थे। वह आधुनिक भारत के सबसे प्रभावशाली हठ योगियों में से एक हैं। गगनगिरी महाराज अपनी जल तपस्या और गहन ध्यान साधना के लिए विशेष रूप से जाने जाते थे। उन्हें स्वयं आदि दत्तात्रेय का अवसार माना जाता है। स्वामी जी भारतीय साधुओं योगियों और संतों के बीच व्यापक रूप से सम्मानित हैं। दोस्तों और मैं कुछ बताना चाहूँगा आपको कि इनका जन्म श्रीपाद गणपत राव पाटनकर 30 नवंबर 1906 मांडुरे पाटन महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के अपने एक जिला बोलेंगे, हाँ जिला बोल सकते हैं, पाटन में इनका जन्म हुआ था। और इनकी मृत्यु 4 फरवरी 2008 खोपोली रायगढ़ महाराष्ट्र में हुई थी। तो दोस्तों अभी गगनगिरी महाराज अपने जल तपस्या और कड़ी साधना के लिए काफ़ी प्रसिद्ध रहे हैं और इनके बारे में अभी बहुत कुछ है जो मैं नहीं जानता हूं, लेकिन जितना जानता हूं मैंने आपको उतना मैंने बता दिया। कि देखिए इस समय अभी हम जहां पे खड़े हैं ये काफ़ी ऊंचाई पर हैं, एक मंदिर बना हुआ है। मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए यहाँ से व्यू समंदर का, ये देखिए, ये देख सकते हैं ये पूरा जंगल इलाका है। और मैं आपको दिखाऊंगा, देखिए यहाँ पे समंदर है, आगे चलते हैं, मैं आगे से आपको बताता हूँ। मैं देखिए यहाँ पे ये देखिए दोस्तों ये पूरा समंदर, और ये हमारा सिटी मलाड, और हम इस समय ये एक आइलैंड है मनोरी, ये हमको मलाड मारवे बीच से हमको बोट मिलेगा और बोट पकड़ के हमको आना रहता है मनोरी, और मनोरी से हम गोराई बीच भी जा सकते हैं। लेकिन जैसे ही हम मनोरी जो पॉइंट है, मनोरी का पॉइंट जब हम उतरेंगे और यहाँ से हम देखते हैं कि जैसे उतरेंगे लेफ्ट साइड में ही गगनगिरी महाराज का एक आपको बैनर फोटो ऐसा दिख जाएगा, तो जिससे आप यहाँ पे कभी भी आकर के आप घूम सकते हैं। और यहाँ पे जैसे कि अभी हम लोग आए थे,
तो उन्होंने मना किया फोटोग्राफी वगैरह के लिए, लेकिन हमने अपना परिचय दिया और वो परिचय के हिसाब से फिर उन्होंने हमको अलाउ किया। और यहाँ पे हमको उन्होंने नाश्ता भी पूछा, चाय भी पूछा कि आप चाय पी लीजिए, नाश्ता कर लीजिए। आप देख सकते हैं कि सामने कितना ही अद्भुत दृश्य और नज़ारा है, काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। तो अभी हम चलते हैं, और कभी भी अगर आपको आना हुआ मनोरी तो आप यहाँ पे एक बार आप अवश्य आइए, गुरु का आशीर्वाद लीजिए, गगनगिरी महाराज का आशीर्वाद लीजिए। लोग बोलते हैं, बताते हैं कि ये समंदर में जल में तपस्या करते थे, और इनकी बहुत सारी अद्भुत लीलाएं भी हैं जो मैं उतना तो नहीं जानता हूं मैं, लेकिन जितना जानता हूं मैंने उतना मैंने आपको बता दिया। और ये काफ़ी एरिया में फैला हुआ है। तो दोस्तों अभी हम यहां से अपना ये सफ़र ख़त्म करते हैं। मैं पूरी आशा करता हूं कि आपको ये ब्लॉग सफ़र या वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को आगे वीडियो और कुछ देखने के लिए। अभी एक देखिए पॉइंट मैं आपको और मैं बताता हूँ मैं, चलिए आप यहाँ पे एक मिनट ये देखिए। अभी ये पॉइंट पे मैं आया था पहले, फर्स्ट वीडियो में अगर आप देखेंगे तो मैंने आपको दिखाया हुआ है, एक मिनट ये देखिए दोस्तों। जय हो गगनगिरी महाराज, आप अपना आशीर्वाद हम पे बनाए रखिए। बस अब यहीं से हम अपना सफ़र ख़त्म करते हैं। दोस्तों मैं पूरी आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आगे भी हम आपको कुछ इसी तरह से वीडियो आपको हम मुंबई दर्शन के बारे में हम आपको दिखाते रहेंगे। जैसे मैंने अभी गगनगिरी महाराज का जो आप देख रहे हैं पीछे जो मंदिर है, मैंने आपको दर्शन करा दिए हैं। अभी देख सकते हैं कि आप इधर मेरे पीछे एक मिनट ये देखिए दोस्तों, ये मंदिर देखिए सामने, ये मंदिर देख सकते हैं कि एकदम जंगलों के बीच में घिरा हुआ है मंदिर है, चारों तरफ जंगल ही जंगल है। अब ये यहाँ पे इस मंदिर पे जाने के लिए हमको ना इस जंगल के रास्ते से हमको जाना होगा, तो मैं आपको लेकर के चलता हूँ। थोड़ा रास्ता कठिन है, लेकिन हम चलेंगे वहाँ पे और वहाँ पे मंदिर में जाके दर्शन करेंगे, कि दर्शन करना ही अनिवार्य है दोस्तों, बहुत ज़रूरी है दर्शन करना भगवान के। तो अभी हम और देख सकते हैं कि पीछे भी आप जो व्यू आप मेरे पीछे आप देख रहे हैं, कितना ही खूबसूरत व्यू है, ये पूरा समंदर है सामने। और अभी हम चलते हैं ये मंदिर, जो यहाँ से रास्ता जाता है ये झाड़ियों के बीच में से, और हम चलते हैं आपको उस मंदिर के दर्शन कराते हैं। क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया था कि वो जंगल के बीच में से ऐसा, ये जंगल सामने देखिए वो मंदिर, अभी हम वहाँ पे उस पॉइंट पे खड़े थे मंदिर के यहाँ पे, और ये जंगल का रास्ता है, लेकिन हमने साइड से आए, हमको किसी ने गाइड किया, तो यहाँ पे देखिए रास्ता बना हुआ है साइड में जाने का, एक छोटा सा रास्ता है ये मंदिर पे। देखिए अभी हम लोग यहाँ पे पहुँच रहे हैं, सांस फूलने लगी यार, ये देखिए बड़े बड़े पत्थर यार सामने, ओह ये देखिए अभी हम मंदिर की ऊंचाई पर आ गए हैं। ये काई देवी मंदिर है, अरे वाह क्या बात है, यहाँ तो और खूबसूरत दिख रहा है यार।
ये पूरा पीछे समंदर है। पहले मंदिर हम दर्शन करते हैं। जय हो गणपति बप्पा। ओ काई माता, देखिए इस मंदिर में एकाई माता का मूर्ति है जो स्थापित किया गया है, देख सकते हैं आप। लेकिन कैसा है कि देखिए यहाँ पे ताला मारा हुआ है तो अंदर हम जा नहीं सकते हैं। मैं आपको बैकग्राउंड में मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं देखिए दोस्तों यहाँ पे हम, लेकिन आगे नेवी का एरिया भी लगता है, ये पूरा इलाका नेवी के अंडर में आता है, तो यहाँ पे हम वीडियोग्राफी या फोटोग्राफी नहीं कर सकते हैं। ये देखिए अभी हम मंदिर के पीछे आए हुए हैं। ये देखिए दोस्तों समंदर, आगे जाने का अलाउ नहीं है। लोग ऐसा बोलते हैं कि अगर आगे जाते हैं तो गोली मारने का भी परमिशन है, कि देखते ही शूट एंड साइड का ऑर्डर है कि गोली भी मार सकते हैं। ये पूरा एरिया सब नेवी के कब्जे में है, एयरफोर्स के कब्जे में है। तो दोस्तों हम यही सभी चलते हैं। थोड़ा सा हम आपको इस साइड का भी व्यू आपको दिखा देते हैं, मंदिर के राइट साइड का। एक मिनट इधर आइए। ये देखिए पानी की टंकी, वाह क्या खूबसूरत दृश्य है। ये देखिए दोस्तों, ये देखिए यहाँ से सामने ना बोरीवली का पगोड़ा भी दिख रहा है, और ये पूरा सब अपना मुंबई सिटी, और ये टोटली आप देखेंगे सामने समंदर है, ये समंदर है। दोस्तों एक लाश का सीन है बचा हुआ था, ये मंदिर जो हमको काफी वहां दूर से हम देख रहे थे, तो काफी ये दूर और अंदर जंगलों के बीच में था, लेकिन एक रास्ता मिला हमको इधर से आने का, तो जो मैंने आपको दिखा दिया। तो अभी ये लाश फाइनल है, यहाँ से हम अपना सफर अभी ख़त्म करते हैं और नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं। दोस्तों नेक्स्ट ब्लॉग की तैयारी करते हैं, उसमें हम मिलते हैं और हम चलते हैं। और देखिए अभी एकाई देवी मंदिर, अब यहाँ से हम ख़त्म करते हैं। ओके बाय दोस्तों।